असल फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आफ्ताब गुरुजी टिप्स आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो हो रही है तो लैपटॉप की कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जो करने से आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी अगर आप कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हैं वो ऐसे गोल 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 घूम रही है तो ये चीज़ें कैसे से खत्म होगी और आपके इंटरनेट की स्पीड कैसे तेज़ हो सकती है पांच तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो एंड तक देखनी है कोई चीज स्किप नहीं करनी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें वीडियो को शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में जो लैपटॉप है अभी तो अगर आप भी चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं तो यहाँ पे देखें दोस्तों मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ सबसे पहला जो तरीका है स्क्रीन को स्पीड को तेज करने का इंटरनेट के उस तरीके में आपने क्या करना है जस्ट सिंपली आपने सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है सेटिंग्स तो यहाँ पे सिंपल आपने सेटिंग सर्च करनी है इसे आपने ओपन कर लेना है ओपन करते ही दोस्तों कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखें नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिया जा रहा है तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर दें और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा जिसमें आपको इसके ये बताएगा कि आपने कौन से वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपने सिंपल डेटा यूजेज पर क्लिक करना है डेटा यूज यूज़ेज पर क्लिक करते ही ये आपको बताएगा कि हाँ जी भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन ऐप्स के ऊपर आपका डेटा जो है वो यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो लास्ट जो है मेरा डेटा यू रोड टोरंट और क्रोम और वन ड्राइव और सिस्टम ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो जितनी भी आपकी अनयूज ऐप्स हैं आप उनको क्या करें आप उनको स्टॉप कर दें या डिसेबल कर दें अगर आपको वो नहीं चाहिए तो ए, सिंपल सा एक तरीका है कि आपको पता लग गया कि आपकी ये वाली चार एप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ किया गया है अब अब इन ऐप्स को जो है वो डिसेबल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको आपकी इंटरनेट की स्पीड को तेज़ करना है अब चले दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं बहुत ही सिंपल है जल्दी से टाइम वेस्ट किए ताकि वीडियोज़ भी शॉर्ट हो जाए और काम भी ज़्यादा सीखने को मिल जाए दूसरा तरीका भी सेम है सेटिंग्स में जाएंगे सेटिंग्स को ओपन करेंगे यहाँ से हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर वापस से इन नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आएंगे मैं ये दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी ने पहला तरीका पहले ना देखा होगा सेटिंग्स में कैसे आना है तो इसलिए अब यहाँ पर देखें जहाँ पर डेटा यूजेज था इसी के साथ प्रॉपर्टीज़ का भी एक ऑप्शन दिया गया था सिंपल प्रॉपर्टीज़ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है सेट एज़ मीटर्ड कनेक्शन तो याद रखें ये आपका हमेशा जो है ऑफ फोन चाहिए अगर ये ऑफ नहीं ऑन है तो इसको काइंडली ऑफ कर दें वरना आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है कम हो जाती है तो इसको आपने ऑफ कर देना है तो तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं बहुत ही सिंपल तीसरा तरीका है उसकी तरफ चलते हैं वापस से दोस्तों हम सेटिंग्स में जाएंगे ठीक है और फिर हम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइवेसी का ऑप्शन है पहले हम यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क एंड ने इंटरनेट में गए थे अब हम प्राइवेसी में आएंगे प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास यहाँ पे नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास कुछ ये देखें मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये कुछ आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर देखें एक बैकग्राउंड ऐप का ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं अपना सर्कल जो माउस का कर्सर है उसे दिखा रहा हूँ इस पर सिंपली क्लिक करें बैकग्राउंड ऐप्स तो ये आपको बताएगा कि हाँ जी आपकी जो बैकग्राउंड में ऐप यूज़ होती हैं वो ये वाली हैं तो इनमें जो फ़ालतू ऐप्स हैं जो आपके यूज़ नहीं करते या आपको ये नहीं चाहिए जो आपके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं आपके इन इंटरनेट की स्पीड को यूज़ करती हैं आप चाहें तो सबको ऑफ़ कर सकते हैं आप चाहें तो एक, -एक करके सबको ऑफ़ कर सकते हैं इससे आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ठीक है अब चलते हैं फोर्थ तरीका फोर्थ तरीका दोस्तों ये है कि आप अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप के साथ तो काइंडली वाईफाई जो है मैं बताता चलूँ कि उसकी स्पीड बन कम होती है डायरेक्ट वायर के तो आप डायरेक्ट वायर का इस्तेमाल कर लें अपने लैपटॉप के साथ अपने रूटर से डायरेक्ट वायर इसको दे दें तो आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई के लिए एक मजीद और तरीक़ेकार है उसको देखते हैं जो कि हमारा फाइव नंबर पे है तो चले फाइव नंबर पे तरीके क्या है उसको देखने के लिए आपने वापस से सेटिंग में सेटिंग में नहीं जाना है इस बार कंट्रोल पैनल में जाना है यह ना हो कि हर बार सेटिंग में चले जाओ तो हर बार सेटिंग नहीं होती कंट्रोल पैनल में आ जाओ कंट्रोल पैनल को ओपन करना है आपने सिंपली यहाँ से और यहाँ पर आपके पास देखें यूज़र अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिया गया है उसके पेरेंट्स ऑप्शन है और यहाँ पर कुछ आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं तो आपने यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ये दो ऑप्शन आएंगे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने ये लिखा आएगा वाई तो यहाँ पर वाई के ऑप्शन पर क्लिक करें तो इस तरह से एक आपके पास टैब आ जाएगी इस टैब की प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर दें प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने से कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फोर नंबर के ऊपर दिया गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर टी एस पी इस पर डबल क्लिक करें डबल क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा अब आपने करना क्या है और आई यहाँ पर ये यह लिखा हुआ है यूज़ द फॉलोइंग आई पी ड्रेस इस पर क्लिक करें ठीक है और यहाँ पर ये यह देखें नीचे लिखा हुआ है प्रेफर्ड डी एन एस सर्वर और यहाँ पर आपको मैं कोड बताने वाला हूँ अगर आप गूगल के ज़रिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपने ये वाला कोड एंटर करना है ठीक है एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट और नीचे वाली टैब के अंदर आपने एंटर करना है एट डॉट एट डॉट फोर डॉट फोर आप इसको ओके कर सकते हैं अच्छा दोस्तों ये वाला जो कोड है ये है बेसिकली गूगल के लिए अगर आप ओपन डी एन एस का सर्वर यूज़ करना चाहते हैं अगर आप ओपन डी एन एस यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कॉपी करें और ये प्रेफर में डाल दें ये कोड जो है यहाँ पर रीड कर लें टू जीरो एट पॉइंट सिक्स सेवन ट्रिपल टू ट्रिपल टू नीचे वाला सेम है आगे टू 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 जीरो हो जाएगा टू टू ज़ीरो हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर हम चलते हैं ये वाला कोड हम वहाँ पर एंटर करके आपको दिखाता हूँ ये आपने कैसे एंटर करना है तो जहाँ पे ये एंटर किया था सेम आपने जो है प्रेफर डी में वो एंटर कर देना है कंट्रोल वी के साथ मैंने वो एंटर कर दिया है अब नीचे वाले में भी आप ये सेम एंटर कर सकते हैं और टू बस लास्ट में जो है वो टू आ जाएगा सिक्स और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है इसको डिलीट करके टू टू ज़ीरो और इसी तरह टू टू ज़ीरो ये देखें इसी तरह कोड करके आपने इसको जो है सिंपली ओके कर देना है लेकिन मैं अभी क्योंकि ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसलिए इसको नहीं छेड़ूंगा आप जैसे इसको ओके करेंगे आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मेरी ऑलरेडी स्पीड अच्छी है इंटरनेट की इसलिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंगे ले चुका हूँ अपने इंटरनेट की स्पीड के ऊपर तो आप ये जब पाँच तरीके अपने इंटरनेट की स्पीड के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो यकीन आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप ये तरीके इंप्लीमेंट कर लें कि आपके इंटरनेट की स्पीड तेज़ हु हुई या नहीं हुई तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केयर अला